यस, ये स्लिंग बैग दिखाना मैं भूल गई थी। तो मैंने ये न्यू स्लिंग बैग ली है, पुना के ड्यून करके एक शॉप है वहाँ से। तो ये मैंने जस्ट 2 या 3 दिन पहले ही लाई है। तो तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो वेट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा दूसरा चैनल जो मैंने चालू किया है, तो उस पर मैं सब ब्यूटी टिप्स, ब्यूटी एंड हेल्थ रिलेटेड टिप्स दिखा रही हूँ। तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको अच्छे अच्छे ब्यूटी के टिप्स भी मिल जाएंगे। तो अभी उसी के लिए मैं ये और जो है रेमेडी तैयार कर रही हूँ। तो दिखा रही हूँ आपको एक रेमेडी। तो आपको क्या करना है, एक पोटैटो लेना है एंड जस्ट ग्रेट इट। Thank you.
इस पोटैटो को हमें स्क्वीज करना है। Then I am adding besan. और फिर ये जो पैक है ये हमें अच्छी तरीके से फेस पे लगाना है, जहाँ जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है वहाँ पे। आप चाहे तो इसे गर्दन पे भी लगा सकते हैं। और इसे रखना है 15 मिनट्स तक।
सो अभी 15 मिनट हो गए हैं और ये पैक जो है ये पूरा सूख चुका है, तो मैं इसे पहले वॉश कर लेती हूँ। जब हम फेस पे कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके लिए कोई भी ऐसे वैसे टॉवल मत यूज कीजिए, जस्ट वाइप इट ऑफ विद अ टिश्यू पेपर, क्योंकि फिर से किसी दूसरे नैपकिन की वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सो यूज अ टिश्यू पेपर टू क्लीन योर फेस। और इसके बाद जस्ट एक एसेंशियल ऑयल मैं यूज करूंगी, वो दिखाती हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस हल्दी वाला एसेंशियल ऑयल, टर्मरिक एसेंशियल ऑयल। तो मैंने ये ऑलरेडी मेरे पहले व्लॉग में मेंशन किया है, तो जस्ट टेक अ फ्यू ड्रॉप एंड अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस लाइक दिस। ये जो ऑयल है वो बहुत सेंसिटिव, यानी आपके आईज सेंसिटिव हो तो बिल्कुल भी आईज के कॉन्टैक्ट में मत आने दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फार्मूला है। तो जब आप इसे यूज़ करेंगे तो केयरफुली यूज़ करना है इसे, कि आईज में गया तो आईज इचिंग करने लगता है। तो दिस इज हाउ कंप्लीशन ऑफ पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट